दंतेवाड़ा की नक्सल घटना प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद और कठिन समय है। छत्तीसगढ़ के 11 परिवारों के घर मातम छाया हुआ है। मैं इस दुख की बेला में उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। किसी परिवार ने अपना बेटा, किसी ने भाई और किसी ने पति खोया है, लेकिन इस शोक के समय में दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने शोक के समय अपनी जो बात कही कि आज हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, पहले कैंप में बिना लड़े शहीद हो जाया करते थे, ये शहादत का अपमान है। भूपेश जी, पहले भी जवान लड़ते हुए शहीद होते थे और आज भी जवान लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं। शहीदों की तुलना नहीं की जा सकती, पुलिस के शौर्य को तुलना नहीं किया जा सकता। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पहले और आज की स्थिति की तुलना ना करें। आज ख्याल करें कि बस्तर से सरगुजा तक नक्सल का कितना प्रभाव बढ़ा हुआ था। दिन में सरगुजा में निकलना कठिन हो जाया करता था। आज परिस्थिति में बदलाव आया है तो हमारे पुलिस के जवानों के शौर्य की वजह से, उनके साहस और हिम्मत की वजह से आज स्थिति में बदलाव आया है। और मुझे लगता है कि आज हम बस्तर को बेहतर स्थिति में ले जाने का प्रयास करें, मिलजुल कर पहल करें। और आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपनी बात कह रहा हूँ। धन्यवाद। दंतेवाड़ा की नक्सल घटना प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद और